Good morning, everyone. This is the second lecture of Relation Exercise 1.1 Class 12th Mathematics, and we are starting with question number. This is sixth, I think, Piyush. Yes. Okay, question number six. Can you please read? Okay. So that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R equals 1, 2, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. मैं आपको लिख के समझाता हूँ क्वेश्चन. यहाँ पर हमें एक रिलेशन भी दिया हुआ है और फर्दर एक बार मैं लिख के बताता हूँ आपको. रुकिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स राइट. यस, मैं एक बार बोर्ड ड्रॉप कर देता हूँ आपके लिए. ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स हमें कह रहा है कोई भी रिलेशन हमें दिया हुआ है, जो सेट भी गिवन है हमें. सेट हमें गिवन है 1, 2, 3, ठीक है, और उसके अंदर जो रिलेशन है वो हमें गिवन है 1, 2. ये हमें गिवन है, ध्यान से देखिए. ठीक है, ये हमारा जो है सेट गिवन है और इसके अंदर जो 1, 2, 2, 1 ही गिवन है. ठीक है, और सेट हमें क्या गिवन था, 1, 2, 3. 1 ये 2 लिखा है मैंने और 3, ठीक है, ये हमें गिवन था. तो हमें ये बताना है कि ये सिमेट्रिक तो है लेकिन ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना तो ट्रांजिटिव है. देखिए, फर्स्ट पार्ट में ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1, 1 नहीं है या 2, 2 नहीं है इसके अंदर, राइट. 1, 2, 2 और वहां पर सेट मतलब 3, 3 ये नहीं है. आई रिपीट, ठीक है, ये डू नॉट बिलोंग. मैं सीधा ही लिख देता हूँ मैथमेटिकल टर्म में, डू नॉट बिलोंग टू कैपिटल R. ये बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन से, इसी वजह से ये जो कैपिटल R है ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है. यार थोड़ा हमने ये चेंज किया तभी ऐसे लिखा जा रहा है, अभी ये स्मूथ हो जाएगा. ओके, सेकंड पार्ट में हमें ये बोला है सिमेट्रिक है. अच्छा चलो देखते हैं सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि देखो रिलेशन के अंदर आप देखें 1, 2 है और 2, 1 है, ए और बी आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं. ठीक है, तो यस कैपिटल आर हमें क्या दे रखा है, सिमेट्रिक दे रखा है. ठीक है, और जो थर्ड पार्ट है इसका उसमें ये कह रहा है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है. ठीक है, ट्रांजिटिव में एक तीसरा एलिमेंट हम इंट्रोड्यूस करते थे, तो यहाँ पर तो रिलेशन में दो ही एलिमेंट है 1 और 2, तीसरा कोई एलिमेंट ही नहीं है स्मॉल सी. ठीक है ना, इस वजह से ये ट्रांजिटिव भी नहीं है. मैं लिख के बता देता हूं कि देयर आर ओनली टू एलिमेंट्स 1 और 2 in this relation and there is no third element, कोई तीसरा element नहीं है. ठीक है, ठीक है, small c नहीं है मतलब कोई भी तीसरा नहीं है in it. तो इससे यही पता लगता है, it implicates कि capital R जो है वो हमारा transitive भी नहीं है. ठीक है, साथ साथ मैं आपको प्यूज सेंड कर रहा हूं ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड रहे डेटा का, राइट. एक सेकेंड, ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स. अब मैं चाहूंगा पीयूष आप क्वेश्चन नंबर सेवेंथ रीड करें. ओके सर. So that relation R in the set A of all books in a library of a college given by R equals X, Y, X and Y have same number of pages in an equivalence relation. देखिए, कोई भी हमें relation capital R दिया हुआ है set A में, सारी books हैं library में और X और Y में same number of pages हैं, तो ये you know equivalent रिलेशन हमें प्रूव करना है. ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख के आपको समझाता हूँ, बेटर तरीके से आपको क्लियर होगा. क्वेश्चन नंबर है ये सेवेंथ.
आर यहां पर सेट दिया हुआ है सारी बुक्स जो लाइब्रेरी में प्रेजेंट है, ठीक है। और रिलेशन हमें कितना क्या गिवन है कि एक्स और वाई दो किताबें हैं मान लो, और उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस है। एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ओके। और हमें कह रहा है कि भाई ये इक्विवेलेंस भी है, ये भी चीज आपको यहां पर प्रूव करनी है, एक सेकेंड, ये इक्विवेलेंस भी है, ये भी चीज हमें प्रूव करनी है, ओके, करके देखते हैं। देखो अब ऐसा हो सकता है कि जो नंबर ऑफ पेजेस दोनों बुक्स में सेम हो, एक्स और वाई जो दो बुक्स हैं, ठीक है ना, कि नंबर ऑफ पेजेस, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस का मतलब आपको पता ही है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो आप ऐसे मत सोचना नहीं सर दो किताबें ऐसी भी तो हो सकती हैं जिनमें अलग नंबर ऑफ पेजेस हों, बिल्कुल हो सकती हैं, पर उसने बोला है ना कि इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, तो इक्विवेलेंस ही करना है, मतलब तीनों करने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक, कोई भी जो बुक है उसके, अपने एक ही बुक है तो उसके तो पेजेस सेम ही रहेंगे, राइट। नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक रिमेन्स द सेम, ये आप ध्यान में रखना, नंबर ऑफ यू नो जो बुक्स हैं वो पेजेस सेम ही रहेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो रिलेशन है हमारा कैपिटल आर वो रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमने इसने बोला है कि भाई सिमेट्रिक भी है, तो मान लो देखो बुक एक्स में कोई बुक थी एक्स, उसके अंदर जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो किसके इक्वल हैं, बुक वाई के, जिसमें नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो इक्वल हैं, दोनों बुक्स के अंदर जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो इक्वल हैं, कहने का मतलब है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि ये जो रिलेशन है ये इम्प्लीकेट करता है कि रिलेशन आर जो है ये सिमेट्रिक भी है, राइट। उसने बोला था ये सिमेट्रिक है, तो ये मैंने प्रूव कर दिया सिमेट्रिक है, ठीक है। थर्ड में ये कह रहा है कि बुक, थर्ड पार्ट में हमें ये कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है ये ट्रांजिटिव भी है। तो आप कोई तीसरी बुक में जेड मान लेता हूं, ठीक है ना, तो मान लेता हूं कि X और Y में सेम दो बुक्स हैं, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, और बुक Y और Z के अंदर भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो देयरफॉर X और Z के अंदर भी क्या होगा पीयूष, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे। तो जब आपको पता है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। एक सेकंड मैं आपको ये सेंड कर रहा हूं, और साथ ही मैं चाहूंगा पीयूष अब आप क्वेश्चन नंबर 8 रीड करें। ओके सर, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स 1, 2 comma 3, comma 4, 5 given by r equals a comma b where modulus a minus b is even is an equivalence relation so that all the elements of 1, comma 2, comma 5 are related to each other and all the elements of 2, comma 4 are related to each other but no element of 1, comma 3, comma 5 is related to any element of 2, comma 4.
चलिए इसका जरा मतलब समझते हैं और मैथमेटिकली इसे लिख के देखते हैं पहले। उसके लिए मैं ये बोर्ड ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पर हमें कोई सेट गिवन है, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 8, राइट। सेट हमें गिवन है ए, और ए में एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। और जो रिलेशन हमें गिवन है कैपिटल आर, वो हमें गिवन है कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, ये हमें क्या दिया हुआ है, इवन दिया हुआ है, राइट। इवन हमें ये दे रखा है। अब हमें प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस है। एक तो हमें ये चीज प्रूव करनी है कि इक्विवेलेंस है, मतलब वही आर एस टी तीनों है, ठीक है। पहले मैं यहां पर आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद ये भी कह रहा है कि 1, 3 और 5 के जो एलिमेंट है, 1, 3 और 5 के जो एलिमेंट है वो एक दूसरे से तो रिलेटेड है, और 2, 4 के भी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, ये गिवन है। लेकिन 1, 3 और 5 का जो एलिमेंट है वो कोई भी रिलेटेड नहीं है 2 और 4 के साथ। तो जरा इसका रिलेशन बना के देखते हैं। 1, 3, 5 के आपस में रिलेटेड है, मतलब 1, 3 है, 1, 5 है, और 3, 5 है रिलेशन के अंदर, और 2 का 4 के साथ है तो 2, 4 है, ठीक है। लेकिन कोई भी 1, 3, 5 जो है 2, 4 के साथ रिलेटेड नहीं है, मतलब 1, 2, 1, 4 ऐसा नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है ना। तो रिलेशन तभी मैंने लिख दिया। सबसे पहले अब हमें ये बताना है कि ये इक्विवेलेंस है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, कोई भी एलिमेंट सेट ए का लेता हूं। लेट अस टेक एनी एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल ए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी एलिमेंट मैंने सेट ए का लिया है, तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए जो हो जाएगा, मतलब ए की जगह ए पुट करोगे 0 आएगा और वो इवन ही होता, राइट। तो इसका यही मतलब है कि जो कैपिटल आर है वो, मतलब कोई भी एलिमेंट अपनी जगह पुट करोगे वो 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। और मैं फिर से कह रहा हूं, यहां पर इक्विवेलेंस आपको प्रूव करना है हर हाल में, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि भाई जैसे कि हमें अब सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो आपको पता है कि अगर मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, ये मैं मान के चल रहा हूं मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, इसमें चेक कर लो ना ए माइनस बी, 3 माइनस 1 2 आएगा इवन होगा, 5 माइनस 1 4 आएगा इवन होगा, 5 माइनस 3 2 आएगा इवन होगा, 4 माइनस 2 2 आएगा इवन होगा। अगर इसका उल्टा भी करते हो 1 माइनस 3, तो मॉडुलस लिया हुआ है वो भी इवन ही आएगा, राइट। तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, इवन होगा। और आप चाहो तो मतलब एंट्री लेके कर लो या ऐसे लिख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने आपको दोनों ही केसेस में बता दिया। तो मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए बी इवन है, तो यानी कि पूरा ये हो गया ए कॉमा बी रेशो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, ये इवन है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि आर जो है वो सिमेट्रिक आया हमारा, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, ये सिमेट्रिक है। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं, ठीक है। अब कोई तीसरा एलिमेंट हमें सी मानना पड़ेगा, तो आपको पता है ए माइनस सी है, आप क्या कर सकते हो अपनी तरफ से इसके अंदर यू नो बी एड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और फिर इसको ऐसे लिख लो, ए माइनस बी को इकट्ठा लिख लो और बी माइनस सी को इकट्ठा लिख लो। और थोड़ी सी वर्डिंग लिखनी पड़ेगी कि अगर मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी और मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी ये हमारे इवन हैं, तो देन देयर सम, इनका सम क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ यही ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये भी क्या आएगा, इवन आएगा। तो ये सारे हो गए, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर लिख लो पहले कि भाई मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी जो है वो हमारा इवन आ रहा है, यानी कि रिलेशन आर जो है वो ट्रांजिटिव है।
और अगर आपको पता ही है तीनों हो जाते हैं तो आप लिख सकते हैं कैपिटल आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, एक तो ये प्रूव करना था। अच्छा, अब ये कह रहा है एलिमेंट्स 1, 3, 5 के रिलेटेड हैं, ये मैंने आपको बताया था, मैं आपको अलग से लिख के बता देता हूँ ये। ठीक है ना, यहाँ पर 1, 3, 5 के देखो, 3, 1 माइनस 3 क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 3 क्या आएगा, थोड़ा यहीं लिख दूं पीयूष, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 3 हमारा आएगा मॉडुलस ऑफ -2, यानी कि +2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 5 क्या आएगा, -4 का मॉडुलस, जो फर्दर +4 आ जाएगा। ठीक है ना, और ऐसे ही वो एक और वाला, मतलब कौन सा रह गया, 5 माइनस 3, ये भी इवन आएगा, या 3 माइनस 5 करो, मॉडुलस ही तो लेना है। ठीक है, तो इसने बोला था ये सारे इवन नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो यही बोला था ना कि एलिमेंट 1, 3, 5 के जो है रिलेटेड है। ऐसे ही 2, 4 के अगर करने हैं तो 2 माइनस 4, मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 4 +2 आएगा, वो भी इवन आएगा। ठीक है ना, तो ये चीज हमने प्रूव कर दी कि भाई एलिमेंट जो है 1, 3, 5 के दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। सिमिलरली एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है ना, तो कोई भी एलिमेंट 1, 3, 5 का जो है वो किसके साथ रिलेटेड नहीं आ रहा, 2, 5 के साथ नहीं आ रहा। ठीक है ना, क्योंकि भाई 3 माइनस 2 करोगे ना अगर, तो वो मॉडुलस ऑफ 1 आएगा, तो वो ये ऑड हो जाएगा। तो ये चीज वो प्रूफ करके बतानी थी, वो भी हमने इसमें प्रूफ करके बता दी। आप सेम वर्डिंग लिख सकते हैं जो मैंने बोली है। ठीक है, यहाँ पर अब मैं आपको ये सेंड कर रहा हूँ। ये मैंने आपको सेंड कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहूंगा पीयूष आप क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें। ओके, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स एक्स बिलोंग टू जेड वेयर एक्स इज बिटवीन 0 एंड 12 गिवन बाय फर्स्ट आर इक्वल्स ए कॉमा बी मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 सेकंड आर इक्वल्स ए कॉमा बी ए इज इक्वल बी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 9th। रिलेशन हमें दिया हुआ है आर। सबसे पहले मैं आपको लिख के समझाता हूँ, मल्टीपल ऑफ 4 ये बनाना पड़ेगा हमें प्रॉपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9th है, राइट। देखो 9th का अगर आप फर्स्ट पार्ट करने से पहले, इसके अंदर जो 9th क्वेश्चन में हमारा सेट ए दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल जेड 0 < x < 12। ठीक है, ये हमें गिवन है एंड इट इज गिवन बाय, यहां पर कोई जो रिलेशन है कैपिटल आर वो दिया हुआ है ए कॉमा बी डबल रेशियो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये 4 का मल्टीपल है और ये आर जो है हमें दिया हुआ है ए कॉमा बी डबल रेशियो ए इज इक्वल टू बी। चलो इसमें ये कह रहा है इक्विवेलेंस प्रूव करना, ठीक है, उस पे तो बाद में आएंगे, पहले जरा बना के देखते हैं। सेट ए को अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स जो है वो लाई कर रहा है 0 और 12 के बीच में, तो ए की जगह हम सीधा लिख सकते हैं 0, 1, 2 up to 12 तक जो सारे नेचुरल नंबर आ गए हैं, तो ये होल नंबर का सेट है 12 तक। ठीक है, इंक्लूडिंग 0। अब कैपिटल आर हमें दिया हुआ है ए कॉमा बी रेशियो ए मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 दिया हुआ है, तो चलो जरा इसका रिलेशन बना के देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में तो ये मल्टीपल ऑफ 4 दिया हुआ है, मतलब मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी के अंदर मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4k होगा यहाँ पर। ठीक है ना, अब इसे अगर सॉल्व करते भी हो तो ये मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी भी लिख सकते हो, इसे बी माइनस ए भी लिख सकते हो सॉल्व करके ना, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव कॉमन लेके कोई भी रिजल्ट आ सकता है, मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हो। मेरा कहने का मतलब सिंपल भाषा में यही है कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, आप कोई भी दो एलिमेंट को पेयर करो उनका डिफरेंस 4 आना चाहिए, वो वाले आपके रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। जैसे 1, 2 नहीं हो सकता पीयूष, क्योंकि उसका डिफरेंस 4 नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे पहले 1, 5 5 - 1 = 4 होता है, आपको पता है 1, 9 2, 6 ऐसे सारे सोचने पड़ेंगे आपको,
टू कॉमा टेन, फिर थ्री कॉमा सेवन, थ्री कॉमा इलेवन, फिर फोर के तो सारे आ जाएंगे, फोर एट, फोर ट्वेल्व दोनों आ जाएंगे, ठीक है, फाइव के साथ, फाइव के साथ नाइन, सिक्स टेन, सेवन इलेवन, ठीक है। ये हमारा आर को देख के ही तो मेन हमें बताना होता है, आपको पता है, और एट ट्वेल्व ऐसे जीरो जीरो, क्योंकि उनका डिफरेंस जीरो आ रहा है, वन वन, टू टू, इनका डिफरेंस भी जीरो, जीरो भी मल्टीपल फोर का माना जाएगा, ट्वेल्व ट्वेल्व, ठीक है, ये सारे केसेस आ जाएंगे। अब सबसे पहले पार्ट में इसमें क्या करना है आपको, देखो वही बात हो गई, बी की जगह ए पुट करके देखो, ए माइनस ए क्या आएगा, जीरो आएगा, और जीरो क्या हो जाएगा, फोर का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। जहां पर के हमारा क्या है, के जीरो है, तो वो इस बात को इम्प्लीकेट कर रहा है कि ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल आर से, ठीक है। या आप सीधा भी देख सकते हो, इसमें ए माइनस ए, ये सारे ही आ रहे हैं ना, ये ए वाले, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि कैपिटल आर जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसमें ये देखते हैं कि भाई सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक में ए कॉमा बी और बी कॉमा ए होना चाहिए ना, ऐसे वाले होते हैं, जैसे कि सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना है कि अगर मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी हमारा फोर का मल्टीपल है, तो सीधी सी बात है कि मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए बी फोर का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि वन और फाइव को ले लो, वन माइनस फाइव मॉडुलस में माइनस फोर आएगा, इक्वल टू फोर आएगा, मल्टीपल है फोर का, वन माइनस फाइव भी, और फाइव माइनस वन भी प्लस फोर आएगा, उसका मॉडुलस भी फोर ही आएगा, तो वो भी मल्टीपल है। तो देयरफॉर इसका क्या मतलब है कि भाई ए कॉमा बी और बी कॉमा ए जो है दोनों आर से बिलोंग कर रहे हैं। मैं आपको ये चीज लिख के बता देता हूँ, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से। तो देयरफॉर इट इज कैपिटल आर इज सिमेट्रिक, कैपिटल आर जो है हमारा सिमेट्रिक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसके सी पार्ट की बात करते हैं, जैसे कि सी पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें तीसरा एलिमेंट हमें कोई इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा सी करके, कि ए माइनस सी है, फर्दर वही मैं कहूंगा बी को एड और सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो ए माइनस बी एक साथ हो जाएगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी और b माइनस सी दोनों मल्टीपल्स हैं 4 के, ठीक है। जैसे यहां तीसरा एलिमेंट ये आ गया ना, ठीक है ना, दोनों मल्टीपल हैं 4 के, ठीक है। तो 1 5 5 9 माइनस फाइव, देखो ना 1 5 है, 5 माइनस 1 4 आ रहा है, 5 9 है, 9 माइनस 5 4 हो रहा है, और 1 कॉमा 9, 9 माइनस 1 भी 8 आ रहा है, जो कि 4 का मल्टीपल है, ठीक है। ऐसे भी करना चाहो आप लिख सकते हो, और ऐसे भी वर्डिंग लिख सकते हो, जैसे आपका मन करे, मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। देन आप यहाँ लिख के a माइनस सी इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। देयरफॉर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी ये बिलोंग करेगा आर से, ठीक है। देन ए माइनस सी भी बिलोंग करेगा किससे, आर से, ठीक है। सारे हो गए, देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस, यही प्रूव करना था कि ये इक्विवेलेंस है फर्स्ट पार्ट में, वो चीज मैंने प्रूव कर दी है, इक्विवेलेंस है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब इसका सेकंड पार्ट अलग है, वो हमें अलग से करना पड़ेगा, उसके लिए ए में आपको पता ही है क्या है, मैं एक बार फिर से लिख के बताता हूँ आपको, सेकंड पार्ट के लिए मैं जरा फिर से आपको लिख के बता देता हूँ।
ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ इस बार रिलेशन, ए इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो इसका मतलब आर के अंदर कौन से आ जाएंगे, वही जीरो जीरो, वन वन, टू टू, अप टू 12, 12, ये वाले आ जाएंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसे लिखते हैं, और ए आपको पता ही है क्या था, ए 0, 1, 2 से लेकर 12 तक जा रहा था, ठीक है, मेन तो हमें आर से देख के ही बताना होता है, आपको पता ही है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में ए की जगह आप ए पुट करेंगे, तो ध्यान से देख लो क्या ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर से, यस बिल्कुल कर रहा है, 0, 0, 1, 1 सारे आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि कैपिटल आर हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। बी पार्ट में ध्यान दीजिए कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी कॉमा ए भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर से, सिंस इक्वल टू बी, और ए कॉमा बी दोनों आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको पता है आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और सी पार्ट में आप तीसरा कोई एलिमेंट डाल दो, वैसे ही लिख दो कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर से, और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर से, तो इससे इम्प्लीकेट हो जाएगा ये तीनों बराबर हो जाएंगे, ए बी और सी, यानी कि ए जो है वो हमारा सी के इक्वल आ जाएगा, जो फर्दर ये बात इम्प्लीकेट करेगा कि ए कॉमा सी बिलोंग किससे करेगा, कैपिटल आर से, ये सी लिखा है मैंने पीयूष, ठीक है, हेंस कैपिटल आर इज ट्रांजिटिव, और ये तीनों आ गए हैं, ठीक है ना, सेट रिलेटेड टू वन इज वन, इसने बोला तो ये भी इक्विवेलेंस है, ठीक है, यही बोला था, देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस, तीनों आ गए हैं, एंड सेट भी पूछा था रिलेटेड टू वन, वो कर्ली वन में आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ये मैंने सेंड कर दिया, ठीक है, अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें। ओके, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन व्हिच इज फर्स्ट सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, सेकंड ट्रांजिटिव, देखो हाँ कोई नहीं, आप ये वन बाय वन करेंगे, देखो इसमें है ना हमें खुद से एग्जाम्पल बनाना है, जैसे पहला हमें कोई ऐसा रिलेशन सोचना है जो सिमेट्रिक तो हो पर ना तो वो रिफ्लेक्सिव हो ना ही ट्रांजिटिव हो, मैं लिख के समझाता हूं आपको, ये क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 10th, ठीक है, तो सिमेट्रिक होना चाहिए फर्स्ट पार्ट में बट नीदर रिफ्लेक्सिव है नॉर ट्रांजिटिव है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये मैंने ऐसे सोचा है कि ए को मैं मान रहा हूं सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, तो अगर हम बात करें कैपिटल आर की, उसने बोला है सिमेट्रिक हो, तो ए कॉमा बी में हम यहां मान रहे हैं ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है ना, लेट कर लो यहां पर ए कॉमा बी जो है ये दो परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है ना, तो अगर ए पार्ट की मैं बात करूं, ए जो है परपेंडिकुलर किसके है, बी के है, और बी जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, ए के है, ठीक है, तो देयरफॉर ये जो है सिमेट्रिक है, ध्यान रखना, ठीक है, अब इसके
सिमेट्रिक तो हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का ही अभी चल रहा है, लेकिन ए खुद के तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, ये हो सकता है? कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इज नॉट अ परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, ठीक है। तो देयरफॉर कैपिटल आर जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। और सी पार्ट में ए जो है बी के परपेंडिकुलर है और बी जो है सी के परपेंडिकुलर है, बट ए जो है वो सी के परपेंडिकुलर नहीं है। मैं बना भी सकता हूं ऐसा, बट द पीयूष जैसे उन्होंने बोला है ना कि ये प्रूफ करो, तो वो प्रूफ करना है, मैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में आंसर लिख रहा हूं, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू सी है, जैसे ये कोई दो लाइन थी ना, ए और बी, ये मान लो ए है, ये बी है, ठीक है। देखो ए बी के भी परपेंडिकुलर, पर बी ए के, पर कोई तीसरी लाइन ऐसे सी है वो परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ सोचना है आपने। तो इसका क्या मतलब है, देयरफॉर कैपिटल आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यही हमें प्रूव करना था कि ए जो है वो सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, पीयूष आप एक बार रीड कर लीजिए। अब ट्रांजिटिव तो है पर ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना तो ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, ऐसा कोई एग्जांपल आपने सोचना है। चलो मान के देखते हैं, ए मान लेते हैं हम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर में आपको पता है रैशनल इरैशनल दोनों आते हैं, ठीक है। तो यहां पर आर जो है हमारा ए कॉमा बी है और ए किससे ग्रेटर होना चाहिए, बी से होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट खुद से तो बड़ा हो नहीं सकता, ठीक है। अगर इसके फर्स्ट पार्ट में आप देखें तो एन एलिमेंट इज नॉट ग्रेटर देन, कोई भी नंबर है वो अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना, इटसेल्फ, देयरफॉर कैपिटल आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बी पार्ट में हम देखें तो हमें ये प्रूव करना है सिमेट्रिक भी नहीं है पर ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। तो ये देखो कि अगर ए आपका बी से बड़ा है तो कभी भी बी जो है ए से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना, ऐसे नहीं हो सकता ना, जैसे टू वन से बड़ा है तो वन थोड़ा ना टू से बड़ा हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है, कैपिटल आर इज नॉट सिमेट्रिक, कि ये सिमेट्रिक नहीं है। और सी पार्ट में अगर हम सोचें थर्ड पार्ट में इसके, कि ए जो है बी से बड़ा और बी जो है सी से बड़ा, तो होगा ना ऐसे, ए जो है वो सी से बड़ा होगा। कोई नंबर सोच लो आप, जैसे 5 4 से बड़ा और 4 3 से बड़ा, तो 5 जो है वो 3 से बड़ा होगा, ऐसे सोच लो, ठीक है। देयरफॉर कैपिटल आर इज ट्रांजिटिव, यही इसमें हमें प्रूव करना था। अब ये मैं आपको सेंड कर देता हूं, इसमें आपको खुद से सोचने हैं एग्जांपल। ये ध्यान रखना, अब मैं नेक्स्ट पार्ट करता हूं इसका। इसका जो थर्ड पार्ट है पीयूष पढ़िए। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ऑफ सिमेट्रिक तो है पर ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कोई भी सेट मान लो, पहले वन जरूरी नहीं है, मैंने जो एग्जांपल सोचा कुछ अलग भी आप सोच सकते हैं, ठीक है ना, अगर आपके मन में कोई आए तो आप वहां वो बना के लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे लर्न तो रहेगा नहीं आपको कि यही लेना है, राइट।
तो यहाँ देखिए a प्लस बी जो है वो हमारा लेस देन इक्वल टू 4 आ रहा है मैक्सिमम, है 1 + 3 4 आएगा या उसके बराबर आएगा, ठीक है। तो इसमें अगर रिलेशन आप लिखना चाहें तो 1, 1 आ जाएगा, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1 और 2, 2 आ जाएगा कैपिटल आर, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखिए 1, 1 सेम एलिमेंट हो गया ना 2, 2 ए पार्ट में, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव कैपिटल आर इज, ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब इसके रिलेशन में देखो ऐसे, मतलब 1 के साथ 2 है, 2 के साथ 1 है, अगर आप ध्यान से देखें ऐसे 1 के साथ 3 है और 3 के साथ 1 है, ठीक है। तो यानी कि कैपिटल आर क्या आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया, ठीक है। पर ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों, क्योंकि 2, 1 तो बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर से और 1, 3 भी बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर से, लेकिन देखो 2, 3 जो है इट डजेंट बिलोंग टू कैपिटल आर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यही हमें इसमें प्रूव करना था। पीयूष एक इसका लास्ट फोर्थ पार्ट पढ़िए। ओके, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब रिफ्लेक्स और ट्रांजिटिव तो है बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, राइट ऐसा हमें कोई एग्जांपल सोचना है। ओके, तो फिर से मैं मान लेता हूं सेट को, तो मैं सेम ही मान रहा हूं 1, 2, 3, पर यहां जो इसका आर है, जो रिलेशन है वो मैं मान रहा हूं ए लेस देन, मतलब बी ए से बड़ा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कौन से आ जाएंगे, इसके अंदर 1, 2, 3 में आ जाएगा 1, 2 आ जाएगा, 2 बराबर भी और बड़ा भी है, 2, 3 आ जाएगा, 3, 3 आ जाएगा, 2, 3 आ जाएगा, 1, 3 आ जाएगा, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब साफ साफ पता लग रहा है इसमें 1, 1 2, 2 ए बी से बड़ा और उसके बराबर भी है। 1, 1 भी ले लो पीयूष इसमें, है ना, ए और बी में। तो 1, 1 2, 2 3, 3 ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से बिलोंग कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, ये हमारे आर से बिलोंग कर रहे हैं, देयरफॉर कैपिटल आर जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। और बी की बात करें हम, ये जरूर आता है इसमें से, कई बार 5 मार्कर आ जाता है, एक बार मैं चेक करके बताऊंगा नए पैटर्न के हिसाब से कितना होगा, ठीक है। 3 मार्कर तो पक्का ही है। 1, 2 बिलोंग करता है कैपिटल आर से, लेकिन 2, 1 जो है इट डजंट बिलोंग टू कैपिटल आर, है ना सर। 1, 2 तो है पर 2, 1 देख नहीं है आर के अंदर, देयरफॉर कैपिटल आर इज नॉट सिमेट्रिक, ध्यान रखना। ऐसे ही 1, 2 इट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, 2, 3 इट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, देख 1, 2 भी है, 2, 3 भी है और 1, 3 भी है, बिलोंग्स टू कैपिटल आर, देयरफॉर आर इज क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव भी होता है पर ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है ना। ठीक, ये मैं सेंड कर देता हूँ।
ओके ठीक है। अब इसके बाद एक पार्ट हो रहा है पीयूष, इसमें पढ़ेंगे जरा, मैं पहले फिर लिख देता हूँ यहाँ पर। फिफ्थ पार्ट हो रहा है इसका, पढ़िए। ओके, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, तो फिर जो पार्ट है हमारा उसमें क्या वो कह रहा है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो है पर रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो फिर से भाई सेट तो मान लो वही 1, 2, 3, और इस बार आर को मान लो a, b, मॉडुलस ऑफ a माइनस b जो है 0 से बड़ा है और 2 से छोटा और इसके बराबर है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे 1, 2, वन कॉमा थ्री, 3, 1, 2, 3, 3, 2, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई, बताओ रिफ्लेक्सिव। 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो है नहीं, ठीक है, तो देयरफॉर सीधा लिख रहा हूं मैं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा पीयूष, ठीक है, क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये डजेंट बिलोंग, रीजनिंग लिखना भी चाहो इट डजेंट बिलोंग टू आर। ठीक है, उसने पहले ही बोला था रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सिमेट्रिक तो देखो 2 - 1 जो है लेस देन इक्वल टू, यू नो 2i, तो ऐसे में सोचो सिमेट्रिक तो है, क्योंकि ध्यान से देखो 1, 2 है और 2, 1 है, ऐसे 1, 3 भी है लेस देन आ रहा है और 3, 1 भी आ रहा है। ठीक है ना, ऐसे 2, 3 भी है और 3, 2 भी है, ये सब बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल आर से, तो सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव क्यों है, अब तीसरे में देखो, ट्रांजिटिव इसलिए है क्योंकि 1, 2 बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर से, 2, 3 भी बिलोंग कर रहा है और 1, 3 भी बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर से। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा है। ओके क्लास, एक सेकेंड मैं आपको सेंड कर देता हूं। अब इसका 11th वाला जो है ये इतना मुश्किल नहीं है पीयूष, मैं चाहूंगा आप एक बार रीड कर दें फिर मैं आपको लिख के भी बताऊंगा। 11th क्वेश्चन प्लीज। So that the relation R in the set A of points in a plane given by R equals P, Q, distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation. Further, so that the set of all points related to the points P is not equal to 0, 0 is the circle passing through P with origin as center. तो यहां पर कोई भी रिलेशन कैपिटल आर है, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय कैपिटल आर, पी कॉमा क्यू जो है वो डिस्टेंस है उस पॉइंट पी का ओरिजिन से, जैसे कि कोई पॉइंट क्यू है उसका डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और हमें शो करना है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी नॉट इक्वल टू 0, 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी। चलो भाई जरा लिख के देखते हैं क्या बनता है ये। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 11th, ठीक है। लेट कर लो ये ओ ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 0, तो यहां पर जो ये रिलेशन दे रहा है कि P और Q है ना ऐसे दो पॉइंट है, और ये ऐसे पॉइंट है कि P का जो डिस्टेंस है O से और Q का जो डिस्टेंस है O से वो बराबर है, यानी कि OP किसके बराबर है, OQ के बराबर है। ठीक है, तो देखो OP और OP तो हमेशा बराबर ही होंगे और OQ और OQ भी बराबर होंगे, ठीक है ना, आप कोई भी डिस्टेंस ले लो OP, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कैपिटल आ रहा है ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, सिमेट्रिक इसलिए हो गया क्योंकि OP जो है वो OQ के बराबर हो गया और OQ जो है वो OP के बराबर हो गया, therefore कैपिटल आर जो है वो हमारा सिमेट्रिक हो गया। थर्ड पार्ट की बात करें,
कि ये ट्रांजिटिव क्यों हो गया। तीसरा कोई पॉइंट यहां पर आपको मानना पड़ेगा आर सपोज कुछ ऐसे, ठीक है, और ये मानना लेट करना पड़ेगा कि ये जो ओपी है वो ओक्यू के बराबर है और ओक्यू जो है वो ओआर के बराबर है। तो इस वजह से हमारा ओपी जो है वो ओआर के बराबर हो जाएगा। देयरफोर कैपिटल आर इज ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। हेंस कैपिटल आर जो है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। और सिंस आपको पता है ओपी जो है कोई के है, मतलब इसकी रेडियस जो है वो कांस्टेंट है, तो पी जो है वो लाई करेगा ऑन अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। मतलब कहने का मतलब है यहां से ऐसे कोई सर्कल बनाऊंगा ना मैं, और अगर ये तीनों बराबर है तो ये तीनों रेडियस बराबर होंगी और वो इसका सेंटर होगा, ठीक है ना। ये है तो क्लास, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11th। और अब मैं चाहूंगा आप देखें क्वेश्चन नंबर 12th। ओके सर। So that the relation R defined in the set A of all triangles R equals T1 comma T2, where T1 is similar to T2, is equivalence relation. Consider three right angle triangle T1 with sides 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 13, and T3 with sides 6, 8, 10. Which triangles among T1, T2, and T3 are related? कि चलो ये करके देखते हैं, थोड़ा मैं आपको लिख के पहले समझाता हूँ। ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 12th, राइट। यहाँ R हमें दिया हुआ है T1 और T2, और ये कह रहा है T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले इतनी बात प्रूव करके देखते हैं कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं है, ठीक है ना। तो भाई कोई भी ट्रायंगल टी है वो खुद के तो सिमिलर होगा कि नहीं, ठीक है। कोई भी जो ट्रायंगल है वो अपने आप के सिमिलर होगा, देयरफोर कैपिटल आर इज रिफ्लेक्सिव, ध्यान रखना। और बी पार्ट में दिया हुआ है ट्रायंगल T1 अगर T2 के सिमिलर है तो T2 किसके सिमिलर होगा, T1 के, तो वही ये सिमेट्रिक भी हो गया, राइट। अब इस ये कह रहा है कि इसे ट्रांजिटिव भी करना है, तो हमें यहाँ पर मान के चलना है कि भाई T1 जो है वो T2 के सिमिलर है और एंड T2 वो T3 के सिमिलर है। तो आपको पता है T1 T3 हो जाएगा, देयरफोर कैपिटल आर जो है ये RST ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, और अगर तीनों हो जाएं तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। ये इक्विवेलेंस हो जाएगा 12th में हमारा, ओके। इसके बाद इन्होंने एक और बात बोली है, तीन राइट ट्रायंगल आपको कंसिडर करने हैं। T1 है, उसकी साइड है 3, 4, 5, जरा मैं लिख के समझाता हूँ। तीन राइट ट्रायंगल है T1, T2, T3, ठीक है। इसकी साइड ये मतलब यू नो पाइथागोरस को सेटिस्फाई करेंगे, 3, 4, 5 है। इसकी जो साइड है ये 5, 12 और 13 है, और इसकी जो साइड है वो T3 की 6, 8 और 10 है, ऐसा दिया हुआ है इन्होंने क्वेश्चन में। तो ये कह रहा है कौन सा ट्रायंगल T1, T2 और T3 में से रिलेटेड है आपस में। देखो दो ट्रायंगल तब सिमिलर होते हैं जब उनकी साइड आपस में प्रोपोर्शनेट होती है,
ठीक है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 3/6 1/2 आएगा, टी वन और टी थ्री को देखो, टी वन सिमिलर टू टी थ्री होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये 4/8 और ये 5/10, तो ये रेशो बराबर आ रही है ना तीनों की 1/2। तो उसने पूछा था कौन से सिमिलर होंगे, तो हम कहेंगे टी वन और टी थ्री सिमिलर होंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब इस बात को तुम अंग्रेजी में लिख लो या मैथमेटिकल टर्म्स में लिख लो, वो तुम्हारी नॉलेज पे। मैथ्स की टर्म में लिखोगे तो बड़ा शॉर्ट पड़ेगा, आपको पता है, और इंग्लिश में यही चीज लिखोगे तो थोड़ी लेंदी होगी वर्ड्स और ये सब। ठीक है, पर मतलब दोनों का एक ही है, अगर आप मैथमेटिक्स जानते हैं तो। एक लेमैन बंदे के लिए दोनों चीजें अलग होंगी, पर जिन्हें मैथ्स की नॉलेज है उनके लिए सेम होगा। 13 क्वेश्चन मैं चाहूंगा रीड करें आप। सो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एज आर इक्वल्स पी वन कॉमा पी टू, पी वन एंड पी टू हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3, 4 एंड 5। मैं जरा लिख के आपको समझाता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 13, राइट। देखो यहां पर आर हमें दिया हुआ रिलेशन कोई, जिसमें ये दिया पी वन कॉमा पी टू, ठीक है, और ये हमें बोला है पी वन और पी टू जो है सेम नंबर ऑफ साइड्स है, पी वन एंड पी टू हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। हमें प्रूव करना है ये इक्विवेलेंस है, पहले तो चलो इतना प्रूव करके देखते हैं कि इक्विवेलेंस है, ठीक है ना। तो लेट कर लो स्मॉल एन बी दी नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है, स्मॉल एन मान लिया, तो हमारा जो कैपिटल आर है वो जाएगा पी वन कॉमा पी टू, ये ऑलरेडी मैंने चलो लिख दिया ऊपर, थोड़ा सा ऐसे लिख लो पी वन और पी टू जो है एन साइडेड पॉलीगन है, ठीक है। तो कोई भी पॉलीगन पी जिसमें एन साइड है, एनी पॉलीगन इसका मतलब है कोई भी जिसमें एन साइड है तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है ना, हर किसी में ही अपना ही खुद का यू नो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। बी में इफ पी वन हैज एन साइड्स और पी टू में भी एन साइड्स है, और उल्टा भी कह सकते हो कि अगर पी टू हैज एन साइड्स तो पी वन में भी कितनी होंगी, एन साइड्स होंगी, देयर फोर, तो ये इम्प्लीकेट कर रहा है कि कैपिटल आर जो है ये हमारा सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है। और अब कोई तीसरा इंट्रोड्यूस करते हैं, पी वन पी टू और पी टू पी थ्री, ये एन साइडेड ये लिखा है साइडेड, एन साइडेड ये पॉलीगन्स है, ठीक है, ये एन साइडेड पॉलीगन्स है, तो पी वन और पी थ्री भी क्या हो जाएगा हमारा एन साइडेड पॉलीगन हो जाएगा, ये ध्यान आपको रखना है, यानी कि कैपिटल आर जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। और अगर यू नो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा, ठीक है, इक्विवेलेंस हो जाएगा रिलेशन, कैपिटल आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन,
एक बात इन्होंने पीयूष और बोली थी, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये भी बोला था व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल ए, यही है ना, रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल कैपिटल टी विथ साइड्स 3, 4, 5। तीन साइड ही दे रखी हैं उसकी, ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर। यानी कि सेट ए जो है फर्दर किसके इक्वल हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स इन अ प्लेन के इक्वल हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मैं अब आपको सेंड कर देता हूँ ये। ओके, ये मैंने आपको सेंड कर दिया। अब मैं चाहूंगा 14th क्वेश्चन पीयूष इसका रीड करें। Let L be the sets of all the lines in XY plane and R be relation in L defined as R equals L1 comma L2. L1 is parallel to L2, so that R is an equivalence relation. Find the set of all lines related to the line Y equals 2x plus 4. तो यहाँ पर कैपिटल एल जो है हमें दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, और कैपिटल आर जो हमें दिया हुआ है वो रिलेशन दिया हुआ है कैपिटल एल के अंदर। इट इज डिफाइंड एज कैपिटल आर L1 कॉमा L2, और L1 जो है पैरेलल दिया हुआ है, यू नो, L2 के। हमें ये शो करना है कि कैपिटल आर जो है वो हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और हमें सेट बताना है सभी लाइंस का जो रिलेटेड है वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के। तो मैं जरा आपको लिख के समझाता हूँ ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 14, ठीक है। एल हमें दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, और कैपिटल आर हमें दिया हुआ है L1 कॉमा L2, जहां पर L1 जो है वो पैरेलल दे रखी है किसके, L2 के, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट तो बड़ा इसका आसान है। L1 कोई भी लाइन जो है, इट इज L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, खुद के भी पैरेलल होगी। यानी कि कैपिटल आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बी पार्ट में L1 कोई लाइन है जो L2 के पैरेलल है, और L2 कोई लाइन है जो L1 के पैरेलल है, ठीक है। देयर फोर ये जो कैपिटल आर है ये सिमेट्रिक हो जाएगा, राइट। अब सी में L1 L2 के पैरेलल है, और यू नो L2 जो है वो L3 के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली ऐसे तीन लाइन है, ये L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो इसका मतलब L1 और L3 आर पैरेलल टू वन अनदर। यानी कि कैपिटल आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हेंस कैपिटल आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। और एक पार्ट इसमें और पूछा पीयूष की, कैपिटल ये हो गया, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है। तो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस रिलेटेड टू वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के रिलेटेड हो, वो हो जाएगा इज वाई इज इक्वल टू 2x प्लस सी, वेयर कैपिटल सी इज एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको सेंड कर देता हूँ। अब इसका पीयूष एक क्वेश्चन ये मैं होमवर्क में डाल रहा हूँ ये वाला, क्योंकि ये बड़ा आसान है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं फटाफट क्विकली डिस्कस करके बता देता हूँ, वर्डिंग आप खुद लिख लेना, ठीक है। ये वाला पढ़िए जल्दी से, 15th वाला।
let R be the relation in the set 1, 2, 3, 4 given by R equals 1, 2, 2, 1, 4, 4, 3, 3, 2, choose the correct answer. ठीक है, आपको चूज करना है. देखो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, आप बताइए. है रिफ्लेक्सिव क्या 1, 1 आ रहा है? आ रहा है. ठीक है, मैं अंडरलाइन, ये देखो 1, 1 भी आ रहा है, राइट. और जो है हमारा और कौन सा आ रहा है, ये 1, 1 रहा, 2, 2 1, 1 हो गया, 2, 2 हो गया, और 4, 4 हो गया, ठीक है ना, 3, 3 भी है, राइट. तो भाई रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है. ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं है ये, कह रहा है बी पार्ट. अब मैं देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं. 1, 2 है, 1, 2 है, 2, 1 नहीं है. 2, 1 नहीं है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है. ट्रांजिटिव 1, 2 है, 1, 3 है, 3, 2 है, 3, 2 है, या 2, 3 एक ही बात है, ठीक है ना. तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है. ये या आप याद रखना, मैं यहाँ सीधा आंसर लिख देता हूँ. ये आंसर है 15 का, जो मैंने ऑप्शन है बी पार्ट हो जाएगा. ये तो अब आप वर्बली कर सकते हैं, राइट. 16 क्वेश्चन रीड करिए. लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट n गिवन बाय r इक्वल्स a, b, r आई मीन a इक्वल्स b माइनस 2, b इज ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर. तो a क्या दिया हुआ है, b माइनस 2 दिया हुआ, और b क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन 6 दिया हुआ है, ठीक है. अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप ये ध्यान से ये चीज देखें, इसको ये दिया हुआ, मैं यहाँ अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, इस रिलेशन को देखें, ठीक है. a इज इक्वल टू है b माइनस 2, और b जो है 6 से बड़ा है, तो b पक्का 8 होना चाहिए. 8 - 3 = 5, नहीं ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो रॉन्ग हो गया, तो इसे मैं रॉन्ग कर रहा हूँ. और इसमें 6, 8 - 6, 2 आ रहा है, और b जो है वो बड़ा भी है, तो ये वाला बढ़िया लग रहा है, ठीक है. तो ये फाइनल आंसर है हमारा c, ठीक है. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए कि 16 का आंसर जो है हमारा सी है, ठीक है. तो क्लास 2 क्वेश्चन हमने सिर्फ छोड़े थे, वो होमवर्क में रखे थे, बाकी हमने सारे क्वेश्चन इन 2 वीडियोस में कवर अप किए हैं. जल्दी हम अगला वीडियो अपना बनाएंगे फंक्शन क्लास 12 के लिए. थैंक यू एवरीवन.